हम तो भैया जी सब बढ़िया। आप सबने बोर्नविटा का नाम तो जरूर सुन रखा होगा और कईयों के घरों में तो इसे यूज भी किया जाता होगा। तो आज की इस वीडियो में बच्चों का पहला प्यार बोर्नविटा को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आपको बता दें, बोर्नविटा बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कोको बीन्स, जिसे थियोबर्मा कोको फ्रूट से निकाला जाता है। कोको बीन्स के लिए हाई क्वालिटी के कोको फ्रूट्स को तोड़ा जाता है और फिर उसके कवर को खोलकर उसमें से बीजों को निकाल लिया जाता है। अब सीधा बीज निकालने के बाद इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, इसीलिए इन बीजों को 2 से 3 हफ्तों के लिए धूप में सुखाया जाता है। कोको बीन्स को अच्छे से सुखाने के बाद उन बीजों को बैग्स में भर के फैक्ट्री में आगे की प्रोसेस के लिए रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इसे मूंगफली की तरह रोस्ट किया जाता है। अच्छे से रोस्ट करके इन बीजों को पाउडर फॉर्म में तब्दील कर लिया जाता है। अब पाउडर बनाने के बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जैसे कि स्टार्च, शुगर, बेकिंग सोडा, लिक्विड ग्लूकोज और चॉकलेट वगैरह अच्छे से मिक्स कर ली जाती हैं। इस प्रोसेस के बाद इस मिक्सर को एक बड़े से ग्राइंडर में डाल दिया जाता है और पूरे 2 घंटे तक इस मिक्सर को ग्राइंड किया जाता है। इन 2 घंटों में सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद मिक्सर का क्वालिटी टेस्टिंग करके पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। फिर वर्कर्स द्वारा डिब्बों में एक सेम क्वांटिटी में बोर्नविटा पैक किया जाता है, जिसके बाद बोर्नविटा को आपके आसपास की दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों प्यार जितना बांटा जाए उतना ही कम होता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।